तो आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। अब इस बड़ी सी बात को छोटे से मैं कुछ ऐसे समझो कि हर एक कंट्री एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेज एंजॉय करती है इन द वर्ल्ड और खास करके इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल, जो कि किसी भी पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के कारण नहीं है बल्कि एक सॉफ्ट पावर जो कि उसने इंट्रोड्यूस की हुई है इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल, जिसके कारण हर एक इंसान के दिमाग में उस कंट्री के बारे में एक अलग ही फिगर एक अलग ही इमेज है। अब हर कंट्री के पास अपनी एक सॉफ्ट पावर होती है जो कि या तो उस रीजन के कारण हो सकती है यानी कि जिस रीजन में वो कंट्री इस्टेब्लिश है जिस रीजन में वो कंट्री एग्जिस्ट करती है, या फिर ये सॉफ्ट पावर हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्टर जो कि उन्होंने समय के साथ डेवलप की और आज वो कंट्री उसका लाभ उठा रही है, या फिर ये सॉफ्ट पावर धीरे धीरे समय के साथ डेवलप की गई उस कंट्री के लोगों के द्वारा। अब मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ तो आपके दिमाग में एक ज्यादा क्लियर पिक्चर बनेगी। अब जब मैं एक कंट्री का नाम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल जापान, तो आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज बनती है? मे बी ये 70s, 80s या 90s का भी समय होगा तो आपके दिमाग में निंजा या समुराई या फिर ऐसी कुछ इमेज बनेगी, बट अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ तो आपके दिमाग में जापान यानी क्या आता है? आई एम श्योर मेजोरिटी लोगों के दिमाग में एनीमे आता होगा जो कि आज जापान की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंडस्ट्री है और आज ये जापान को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जापान की सॉफ्ट पावर यानी कि एनीमे, इसका यूज करके जापान लोगों के दिमाग में वो सब चीजें एक इमेज वो फिगर डेवलप कर सकता है जो वो चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में हो उनकी कंट्री के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि हमेशा ही एनीमे में जापानीज फूड को या फिर जापानीज आर्किटेक्चर को या फिर जापान से रिलेटेड चीजों को ही प्रमोट किया जाता है, जो कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है बिकॉज इट इज़ द राइट यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। ऐसे ही सॉफ्ट पावर का यूज किया जाता है और सिर्फ जापान ही नहीं हर कंट्री इसे अपने अपने लेवल पर यूज करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लो तो उनके लिए अपना एक अलग के पॉप है, के ड्रामाज हैं जिसको वो यूज करते हैं अपनी एज अ सॉफ्ट पावर टू मेक एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल। सिमिलरली वेस्टर्न वर्ल्ड की अपनी एक अलग सॉफ्ट पावर है। तो अब बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत की सॉफ्ट पावर क्या है और क्या हम उस सॉफ्ट पावर को ठीक से यूज कर भी रहे हैं या नहीं। तो अब देखो कि भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के लिए एक अलग ही प्रिविलेज मिला हुआ है जो कि ऑब्वियसली रीजन के कारण है और हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स के कारण है। अब चाहे मैं इसमें योगा को काउंट करूं, आयुर्वेदा को काउंट करूं, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को काउंट करूं, ट्रेडिशंस को काउंट करूं, अलग अलग फेस्टिवल्स को काउंट करूं, ट्रस्ट मी द लिस्ट विल गो ऑन। तो जबकि हमारे पास इतना कुछ है इन द नेम ऑफ सॉफ्ट पावर जिसे हम ठीक से यूज करके एक दुनिया के ग्लोबल लेवल पर एक अलग इमेज बना सकते थे भारत की, मगर आज तक ऐसी कोई इमेज डेवलप हुई नहीं बल्कि आज तक हम इन सभी चीजों को खुद से ही डिग्रेड करते आए हैं इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट या सर्टेन चीजें। और खास करके मैं बात करूं इन द नेम ऑफ बॉलीवुड, जिसे हम ठीक से अगर यूज करते तो वो भी एक अच्छा टूल हो सकता था। जैसे कि आज का प्रेजेंट करंट सिनेरियो मैं बताता हूं तो मूवी RRR जो कि ग्लोबल लेवल पर भारत को कुछ अच्छे से ही रिप्रेजेंट कर रही, मगर ये बात यहाँ पर थोड़ी समझने वाली है कि जब ऑस्कर RRR को मिला तो एक ग्लोबली एक अलग इमेज गई इंडिया की इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल, वो लोग जो कि इंडिया को कुछ एक अलग ही तरीके से देखा करते थे, जिनके दिमाग में इंडिया के लिए सिर्फ ताजमहल था या कुछ एक सर्टेन इमेज थी, मगर वो इमेज ऐसे धीरे धीरे चेंज हो रही है और वो ये सॉफ्ट पावर को ठीक से यूज करने पर ही है। तो आप देखोगे कि आज दुनिया में कई ऐसी कंट्री हैं जो कि योगा को एक्सेप्ट करती हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने स्कूल्स कॉलेजेस में योगा को पढ़ाना स्टार्ट किया है। यहाँ तक कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज और कई क्रिश्चियन कंट्रीज जो कि योगा को पहले सेटन और डिमोनिक बोलते थे, वही आज योगा को मॉडिफाई करके और क्रिश्चियन योगा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके बारे में मे बी अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो में बात करना जरूरी है। और इस सॉफ्ट पावर से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं या फिर आप क्या सोचते हो कि इस सॉफ्ट पावर को हम और कैसे यूज कर सकते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो ओपिनियंस बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा। और इनके अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती है, तो स्क्रीन पे दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।